तेजस 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नीट में ओबीसी को आरक्षण न दिए जाने पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा ने कलेक्ट्रेट में किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष कैलाश कुशवाहा की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ता मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा की मांग है कि मेडिकल में प्रवेश के लिए 12 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में ओबीसी को भारत सरकार द्वारा आरक्षण दिया जाए। तत्पश्चात संगठन द्वारा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि 1931 की जनगणना के अनुसार ओबीसी 52% है, जिन्हें रोमी लेयर लगाकर 27% प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण के रूप में सेफगार्ड दिया गया, जबकि पूरा 52% दिया जाना चाहिए लेकिन केवल 27% किया गया और उस पर भी क्रीमी लेयर लगाया गया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 340 की मूल भावना के विरोध में है। संगठन द्वारा बताया गया कि 12 सितंबर 2021 को मेडिकल प्रवेश के लिए होने वाली नीट परीक्षा में ओबीसी को सेंट्रल कोटे की 15% राज मेडिकल की सीटों में आरक्षण को जीरो कर दिया गया, जो कि ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी है। संगठन ने नीट परीक्षा में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने की मांग की है। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट।